Assalamu alaikum and hello to everyone. Once again, I welcome you all to my YouTube channel Accelerate to Achieve. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे. आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यूनाइटेड अरब इमारेट्स में. तो ये यूनिवर्सिटी खलीफा यूनिवर्सिटी जो अबू धाबी यूएई में लोकेटेड है. तो आज इस वीडियो में हम इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, प्रोसीजर क्या है, ड्रग एंड डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं एंड कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो काइंडली अप्लाई ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी वेबसाइट है जो मैंने ओपन की हुई है, ku.ac.ae. ये वेबसाइट की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है आप लोगों के लिए. ठीक, तो हम आते हैं सबसे पहले एडमिशन्स में और जाते हैं ग्रेडेड एडमिशन में. ठीक, तो अब यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो स्प्रिंग 2021 के लिए एडमिशन्स ओपन है फ्रॉम 15 जून 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2020 तक. ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंट ये उन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे ओवरव्यू प्रोग्राम्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अप्लाई. तो हम यहाँ पे ओवरव्यू में अभी हम देखते हैं कि इनके एप्लीकेशन के राउंड दो हैं, राउंड वन एंड राउंड टू. राउंड वन जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है 15 अगस्त तक एंड राउंड टू में 1 अक्टूबर 2020 तक. और आपको कब एडमिशन डिसीजन रिसीव होगा ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है. लेकिन ये जो फर्स्ट राउंड है ये जो प्रिफर होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए प्रिफरेबल है कि वो फर्स्ट राउंड में अप्लाई करें. और ये भी लिखा हुआ है कि जो आप मतलब एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जस्ट फॉर वन प्रोग्राम पर सेमेस्टर. अगर आपका किसी राउंड में एप्लीकेशन मतलब रिजेक्ट हो जाता है तो आप दूसरे राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते. तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मतलब राउंड वन के लिए डेडलाइन है 15 अगस्त 2020. तो आप 15 अगस्त 2020 का इंतजार मत कीजिएगा. जैसे आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन आपकी ओके हो जाती है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा. ठीक, अब आते हैं बिफोर गोइंग इनटू डिटेल के स्कॉलरशिप्स एंड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं. हम प्रोग्राम्स को देखते हैं कि प्रोग्राम कौन से अवेलेबल हैं. तो प्रोग्राम यहाँ पे डिफरेंट 3 कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज ऑफ मेडिसिन हेल्थ साइंसेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंटिस्ट. तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं. ये जो रेड हाइलाइटेड है ये न्यू प्रोग्राम्स हैं और जिनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते मतलब फॉर यूएई और सऊदी नेशनल्स के लिए, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है. जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं है. तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि आप किस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं और आप किस प्रोग्राम के डिटेल में जाना चाहते हैं. तो आप उस पर क्लिक करके इसकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी एंड स्ट्रक्चर एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है इस प्रोग्राम के लिए. ठीक, हम इसमें डिटेल में नहीं जाते, आप वो देख लीजिएगा. उसके अलावा अगर आप हेल्थ साइंसेज से रिलेट करते हैं और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेट लिखा हुआ है. तो फॉर एमडी, फॉर प्री मेडिसिन ब्रिज प्रोग्राम. तो फॉर एमडी के लिए आपके लिए एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस यू कैन क्लिक ऑन हेयर. तो मतलब एमडी के लिए यहाँ पे उन्होंने अलग से डिस्क्राइब किया हुआ है क्योंकि इनका थोड़ा इनकी थोड़ी जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज है इस कम्पेयर टू कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग. तो ये आप देख लीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो. ठीक है, तो हम अब जाते हैं बैक अपने एडमिशंस में. ओके, सॉरी, सो हेयर एकेडमिक्स. ओके, ग्रेजुएट एडमिशंस अगेन. तो प्रोग्राम हमने देख लिया, अब आते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे. तो यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं तो उन फैकल्टी को आप ईमेल कर सकते हैं एंड कह सकते हैं उनको सुपरविजन के लिए डिफरेंट
प्रोग्राम से उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. फॉर एग्जांपल आप सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड तो यहाँ पे क्लिक करें, और इस प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं इस पे क्लिक करें. तो यहाँ पे देखें ये फैकल्टी नेम लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट, ईमेल एड्रेस एंड फोकस एरिया और उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन. तो आप क्या करें, इन फैकल्टी के नेम को आप करें कॉपी, ठीक है, एंड गूगल में जाके इनको करें पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखें खलीफा यूनिवर्सिटी. तो जैसे आप ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ गई है, खलीफा यूनिवर्सिटी डॉक्टर तदाहिरो. तो आप इसको ओपन करें तो ये आप इनका पूरा प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं, इनके एजुकेशन, टीचिंग एरिया, रिसर्च इंटरेस्ट एंड पब्लिकेशंस. तो आप इनको इनका प्रोफाइल अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर आप देखें कि अगर ये आपकी फील्ड से रिलेटेड है, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो आप इनको ईमेल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इन एप्लीकेशन ये भी होती है, लेकिन इसमें भी है बल्कि कि अगर आपने किसी से कॉन्टेक्ट किया है तो वो मेंशन करे, अगर आप किसी के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी मेंशन करे. तो आपको कोई सुपरवाइज कर रहा है तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है. तो अब हम चलते हैं बैक. और आते हैं कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे आप इनको ईमेल वगैरह कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड. अगर आपको कोई इशू है या टेक्निकल इश्यूज कोई आ रहे हैं तो आप इनको दूसरी ईमेल गिवन है servicesdesk@ku.ac.a यहाँ पे ईमेल आप कर सकते हैं, ठीक. अब आते हैं अगेन ओवरव्यू में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. एडमिशन रिक्वायरमेंट्स डिवाइड की गई हैं टू टाइप्स में, एक फुल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, दूसरा कंडीशनल. फुल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास CGPA 3 होनी चाहिए आउट ऑफ 4 आर इक्विवेलेंट, और आपके पास IELTS या TOEFL का स्कोर होना चाहिए IELTS 6.5 TOEFL 91. और दूसरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये UAE सिटीजन के लिए तो आप इसको छोड़ दें, जो MSET MRI असिस्टेंट रजिस्ट्रेस कहलाती है. और उसके अलावा आपको रिक्वायर्ड है GRE का स्कोर, क्वांटिटेटिव सेक्शन में आपके पास 150 होना चाहिए. आपको तीन सेक्शन जो GRE में होते हैं वो देने होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको जो रिक्वायर्ड है क्वांटिटेटिव सेक्शन में 150 है. उसके अलावा आपके पास टू रेफरी रिकमेंडेशन होने चाहिए. वो रेफरी रिकमेंडेशन वो आपको कैसे सेंड करेंगे, आपको जब एप्लीकेशन फिल करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि अपने टू रेफरीज के ईमेल एड्रेस दें और उनकी डिटेल दें, तो वो आपके प्रोफेसर्स को वो डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्म सेंड करेंगे जो आपके रेफरीज को फिल करके सेंड करना होगा बैक, ठीक. और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको रिक्वायर्ड है 500 to 1000 वर्ड्स एंड एडमिशन इंटरव्यू आपका होगा. ये रिक्वायरमेंट है आपके मास्टर्स के लिए. अगर हम आते हैं PhD के लिए तो वहां पे भी सेम रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्ट 2 CGPA आपको रिक्वायर्ड है 3.25 आउट ऑफ 4. एंड दूसरी जो रिक्वायरमेंट एडिशनल है यहाँ पे वो रिसर्च इंटरेस्ट स्टेटमेंट जो आपको लिखना है 500 to 1000 वर्ड्स की. बाकी सेम रिक्वायरमेंट हैं जो मास्टर्स के लिए थी, ठीक. उसके अलावा हम आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एग्जामिनेशन आप ले सकते हैं अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं और आपकी बैचलर या मास्टर्स इंग्लिश मीडियम में है. दूसरा ये कि अगर आपके इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन से आपने अपनी मास्टर्स या बैचलर की हुई है और आपको ये एविडेंस देते हैं कि आप ओवरऑल एकेडमिक IELTS 6.0 या मिनिमम TOEFL 79 मतलब दे सकते हैं इनको एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द कंप्लीटेड बैचलर्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक. तो ये था कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स, और नॉट कंडीशनल बट दी फुल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स. अब हम आते हैं कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स पे. तो 4 कंडीशन यहाँ पे मेंशन की हुई है. अगर आपकी CGPA 2.5 है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है इस कंडीशन पे कि आपको 3.0 CGPA मेंटेन रखनी है थ्रू योर होल मास्टर डिग्री प्रोग्राम. ये कंडीशन सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ठीक है. सेकेंड कंडीशन जो है वो ये है कि अगर आपका TOEFL स्कोर 79 है, IELTS स्कोर 6.0 है, तब भी आप एडमिशन दे सकते हैं इस कंडीशन पे कि आपको जब सेमेस्टर फर्स्ट एंड हो तो आप इनको IELTS या TOEFL का जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो आप सबमिट कराएं जो 91 एंड 6.5 है. तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आपके पास क्वांटिटेटिव सेक्शन GRE का है 150 स्कोर नहीं उसमें, तब भी आप एडमिशन दे सकते हैं इस कंडीशन पे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक आपको ये 150 GRE क्वांटिटेटिव स्कोर सबमिट करवाना है.
ठीक। उसके अलावा लास्ट सेक्शन, लास्ट कंडीशन ये है कि अगर आपका जो बैकग्राउंड है मास्टर्स का या बेचलर का, वो अगर उसमें कुछ कोर्सेज आपने नहीं अटेंड किए हुए हैं, तो ये आपको ये भी कह सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कोर्सेज अटेंड करने होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशंस थी कंडीशनल। उसके अलावा SOP एंड रिसर्च स्टेटमेंट गाइडलाइंस एंड GRE गाइडलाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर आप रिसर्च स्टेटमेंट जब भी लिखेंगे तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एंड GRE कहाँ कब कितनी रिक्वायर्ड है, और ETS के थ्रू आप लेंगे तो यहाँ पे ये गाइडलाइन लिखी हुई है जस्ट। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तब अब चलते हैं हम बैक और आते हैं स्कॉलरशिप्स पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप्स वैसे डिफरेंट अवेलेबल हैं, आप दूसरी चेक कर लीजिएगा, लेकिन मोस्ट जो बेनिफिट वाली है वो है ग्रेजुएट रिसर्च टीचिंग असिस्टेंट, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। काफ़ी स्कॉलरशिप्स में आप एलिजिबल नहीं होंगे, फिर भी आप देख लीजिएगा। ये इसमें आपको ये क्या देंगे, फुल कवरेज ऑफ ट्यूशन फीस, आपको मेडिकल इंश्योरेंस देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में, और आपको स्टाइफंड देंगे फॉर मास्टर्स 8,000 UAE दरम एंड फॉर PhD 10,000 UAE दरम। ठीक है, दैट्स इट फॉर द स्कॉलरशिप। अब देख चलते हैं, हम देखते हैं रुका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये है रुका डॉक्यूमेंट्स। आपके पास बैचलर मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन व्हिच प्रोग्राम एंड व्हिच प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप आउटसाइड ऑफ यू अप्लाई कर रहे हैं। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट शोइंग ग्रेडिंग स्केल जो होता है यूनिवर्सिटी का, वो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे होना चाहिए। आइल्स टोफिल GRE का स्कोर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल CV, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन वाइट बैकग्राउंड, वैलिड पासपोर्ट, ये जो फैमिली बुक एंड वैलिड यू नेशनल ID आपके लिए नहीं है, ये यू नेशनल्स के लिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड रिसर्च स्टेटमेंट जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आते हैं बैक पे। यहाँ पे ये जो ट्यूशन फीस है, यहाँ पे मतलब अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं है अप्लाई कर रहे, स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल रही, तो आपको ये ट्यूशन फीस पे करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कितनी वो ट्यूशन फीस है इनकी। पब्लिकेशन में यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको इनका प्रोस्पेक्टस मिलेगा, इसमें जाके आप डिटेल में देख सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा। और बैक पे चलते हैं अगेन। और मोड्स ऑफ स्टडी पार्ट टाइम फुल टाइम, यहाँ पे भी आप डिटेल में देख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इसमें देखते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। ग्रेडेड एडमिशन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे आप FAQ सेक्शन देख सकते हैं। ठीक, अब जो तो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक, डॉक्यूमेंट्स ये सब हो चुके हैं। अब हम आते हैं अप्लाई पे। ठीक, तो ये एक्चुअली अंडर ग्रेड एडमिशन ओपन किया हुआ है, तो हम बैक चलते हैं। एडमिशंस, सॉरी, एडमिशन ग्रेजुएट एडमिशंस। अब आप एप्लीकेशन प्रोसीजर में जाके यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। ठीक, और ये आप अपनी एडमिशन डिफर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन मिल जाती है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर तक आप डिफर्ड करें, तो आप डिफर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो रीड कर लीजिएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप बैक जाके यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है अप्लाई का, यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो यहाँ पे आप डिटेल ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। ये मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी 2018-19 में सबमिट की हुई है, 2019
तो डेडलाइन हो चुकी थी तो वो भी यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन आपके पास ये शो नहीं होगी अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया हुआ तो। आप यहाँ पे जाएंगे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशंस में, अगर आप मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए अप्लाई करें, अगर मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज के लिए करें तो उनके लिए सेपरेट मतलब एप्लीकेशन प्रोसीजर है, ठीक है। जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर कौन सा अप्लाई करें, 2021, नेशनलिटी कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, डिग्री टाइप आप कौन सा किस में अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम आप सिलेक्ट करें, ठीक है। और पीएचडी इन इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम्पल, कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम ही होगा क्योंकि, ठीक है, पीएचडी के लिए। कंटिन्यू। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस नॉट सबमिटेड, आपने अभी तक एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, तो ये डिफरेंट सेक्शन है, ये आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। पूरी डिटेल आपको ऐड करनी होगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आपकी स्कॉलरशिप फीस, एम्प्लॉयमेंट स्कॉलरशिप और फी टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ग्रेडेड रिसर्च टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको स्कॉलरशिप दे रही है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, आपके स्टाइफंड में हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं है, तो आप यहाँ पे चाहते हैं या नहीं चाहते वो यस और नो आपकी मर्जी है। रेफरी, हाँ यहाँ पे आपको अपने रेफरीज ऐड करने हैं, उनकी डिटेल ऐड करनी है, उनकी ईमेल एड्रेस, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, फिर आप सेव करेंगे। टू एटलीस्ट रेफरीज चाहिए आपके लिए, ठीक है, मिनिमम टू रेफरीज, एंड प्री मेडिकल ब्रिजिंग प्रोग्राम का ऐसे मिनिमम 3 रेफरीज, ठीक है। तो ये आप रेफरीज यहाँ पे ऐड करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी इनकी तरफ से, और यहाँ पे अटैचमेंट्स में आप अपने डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उनकी साइज है वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वरना डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड नहीं होंगे। आप क्लिक करेंगे प्रोसीड टू एडमिशन तो आपका आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो डेट्स इट, अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि काइंडली ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट ले सकें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है एप्लीकेशन प्रोसेस में तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू, ठीक। विश यू गुड लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।